कोरोना का खतरा बढ़ा, देश में 24 घंटे में 44,000 से नए केस दर्ज। धनबाद में जज की संदिग्ध मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, डीजीपी से रिपोर्ट मांगी। राज्यसभा में सांसदों ने सिटी बाजार का किया हंगामा, सभापति ने सदस्यों के आचरण पर जताई आपत्ति। चमोली में भाजपा की मंडल कार्य समिति की बैठक हुई आयोजित, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने लिया भाग। नरेंद्रनगर में मूसलाधार बारिश बनी काल पहाड़, दरकने से NH 94 पर हुआ बंद, लोगों को हो रही खासी परेशानियां। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं पहाड़ समाचार। भाजपा पिंडर घाटी के मंडलों की कार्य समितियों की आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति व समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव पर चिंतन कर फिर से राज्य में सरकार बनाने के लिए ठोस रणनीति तैयार करने पर बल दिया गया। मंडल अध्यक्ष MN चंदोला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मंडल प्रभारी नंदी कुनियाल और मंडल प्रवासी राकेश जोशी भी मौजूद रहे। ब्लॉक सभागार में आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी दिखाई दिया। आज की जो हमारी मंडल कार्य समिति की बैठक है, आगामी 2022 के चुनाव के मद्देनजर है, और आज यहाँ पर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, पन्ना प्रमुख को बुलाया गया था, और इस बैठक के माध्यम से कार्यकर्ता को संगठन के काम के प्रति सशक्त, मजबूत, और ये 2022 का होमवर्क इसे आप कहेंगे, प्राथमिक दौर का होमवर्क है, और आगे लगातार ऐसी बैठकें आपको देखने को मिलेंगी, इससे 2022 खत्म किया जाए। आज हमारी जो ये चिंतन बैठक है, ये पूरे प्रदेश में ये मंडल कार्य समिति, जिला कार्य समिति की बैठक चल रही है, इसमें हमारे कार्यकर्ताओं को एक उत्साहवर्धन के लिए हमारी ये बैठक है, और 2022 के चुनाव को मध्य रखते हुए हमारी ये बैठकें हो रही हैं। इसमें हमारे सभी बूथ अध्यक्ष, पालक, सभी लोगों को इन बैठकों में बुलाया गया है, और इसी के मध्य हम 2022 की के लिए तैयारी पे हैं, और पूर्ण विश्वास के हम 2022 को खत्म करेंगे और पुनः हमारी भाजपा की सरकार प्रदेश में आएगी। वहीं इस खबर पर हमारे साथ सुनेंद्र धनेत्रा जुड़ चुके हैं। सुनेंद्र, मैं आपसे आना चाहूंगी कि बैठक आयोजित की जा रही है भाजपा पिंडर घाटी के मंडलों की कार्य समितियों की आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, क्या रणनीति बन सकती है इस बैठक में? जी देखिए, जो आज तो जो आगामी चुनाव विधानसभा के चुनाव है, वो एन जो राज्य में फिर से 2022 के प्रथम में होना है, तो इस समय जो है कि भाजपा ही नहीं बल्कि अन्य जो राजनीतिक दल है उनकी भी बहुत सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, और वो लगातार जो है कि गैदरिंग भी कर रहे हैं, और जो भाजपा इस समय जो सरकार में है, सत्ता में है, तो उनकी भी जो लगातार है कि जो मंडलों की बैठक आयोजित की जा रही है, उसमें भी जो आगामी जो चुनाव है उस पर जो उन्होंने काम किए हैं, विकास कार्य किए हैं, उसकी समीक्षा को लेकर के बैठकें हो रही हैं, और लगातार अपने जो कार्यकर्ता पदाधिकारी बूथ लेवल के जो अधिकारी हैं भाजपा के, उनको ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि बूथों को किसान से मजबूत करना है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो विकास उन्मुखी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को जन जन तक किसान से पहुंचाया जाए, और उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद जो हैं, उन्होंने किस ढंग से जनता के विकास कार्य में बढ़ चढ़ करके विकास किया है, तो उनके जो प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को बताया जा रहा है कि घर घर, गांव गांव जाकर के सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं, जो धरातल पर काम हुए उन कामों को लेकर के। हालांकि जो कल बैठक हुई है, उस बैठक में भी जो काफी जो कार्यकर्ता है भाजपा के, उन्होंने उनका ये कहना था कि जो विकास कार्य धरातल पर हो रहे हैं उनके पास डिटेल नहीं है, तो विधायक की जो वर्तमान मंत्रालय विधायक है मुनि देवी की, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये आश्वासन दिया है कि जैसे ही कुछ समय बाद वो जितने भी उन्होंने विकास कार्य पूरा अपनी विधानसभा के अंतर्गत किए हैं, उनका शासनादेश की जो एक पूरी लिस्ट होगी वो अपने प्रत्येक बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को
उपलब्ध कराएंगी ताकि वो जनता के बीच जा सके और विकास कार्यों को धरातल पर घाटी की जमीनी हक लोगों को बता सके। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आपने बताया कि जिस तरह से बीजेपी की रणनीति तैयार हो रही है कि गांव गांव जाके अब क्योंकि उत्तराखंड में भी चुनाव है और ये जरूरी हो जाता है कि वहां पर भी जमीनी स्तर पर बूथ स्तर पर अब भाजपा जो है वो जनता से जुड़ेगी और उनकी समस्याओं को लेकर निराकरण भी करेगी। साथ ही साथ आपने कहा कि अन्य राजनीतिक दलों की भी बैठक और राजनीति जो है रणनीति जो है वो तैयार हो रही है, तो उसको लेकर क्या स्पष्ट अभी ये सामने आ रहा है उत्तराखंड में राजनीति को लेकर, विपक्ष किस तरह की रणनीति पर काम कर रही है इस वक्त? बिल्कुल जी, देखिएगा कि चुनाव आयन सिट पे है तो यहाँ पे जो सभी राजनीतिक दल हैं, छोटे बड़े जो राष्ट्रीय और यहाँ पर राज्य स्तरीय जो राजनीतिक दल हैं और यहाँ पे कांग्रेस की बात की जाए, राष्ट्रीय पार्टी है, आपकी बात की जाए कि आप जो आम आदमी पार्टी है वो भी अपना लगातार अपना जनाधार की तरफ बढ़ रही है और लगातार गाँव स्तर पर भी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और जो केजरीवाल मॉडल की जो 300 यूनिट फ्री बिजली की है जो उसके लिए भी वो लोगों से लगातार पंजीकरण करवा रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं इस समय आपके पक्ष में भी आकर्षित हैं और स्थानीय दल जो यहाँ पे उत्तराखंड यूकेडी जो है उत्तराखंड क्रांति दल उसके कार्यकर्ता भी लगातार जो जनता के बीच जा रहे हैं और जो पिछले जो उन्होंने उनकी जो राज्य के लिए राज्य आंदोलन के लिए निर्माण के लिए जो गतिविधियां रही हैं उस चीज को लेकर के वो जा रहे हैं और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि एक बारी जो है कि राज्य के राज्य स्तरीय जो उत्तराखंड क्रांति दल है उसको मौका दिया जाए राज्य में और जो दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं वो राज्य बनने के बाद से ही यहाँ पे बारी बारी से सत्ता में आसीन रहे हैं। तो लेकिन अब जो जनता देखते हैं जनता एन चुनाव के समय पे क्या करती है, जिस ढंग से आप हैं कांग्रेस है या अन्य कांग्रेस दल हैं या यूकेडी है, जो सारे दल जो हैं लगभग आपने जो कार्यक्रम है राजनीतिक रणनीति बनाने चुनावी रणनीति के लिए वो मैदान में है और ये लगातार बढ़ने ही वाला है क्योंकि आने वाले दिनों में जो चुनाव है तो लगातार सभी राजनीतिक दल किसी न किसी रूप में जनता के बीच सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जनता ये भी आकर्षित होती है कि इन 5 सालों के बीच कोई राजनीतिक दल उनका दुख दर्द और सुनने को न्याय, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों की आज भी सड़क स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थितियां बहुत ही खराब स्थिति है और भले ही पहाड़ों में हम आपको बता देना चाह रहे हैं पहाड़ों में सड़कों का जाल जरूर बिछाया जा रहा है लेकिन आज बरसात के समय पे जगह जगह जो बेतरतीब जो सड़कें काट गई है तकनीकी तरीके से जो सड़कें पहाड़ों में काट गई है तो सारी सड़कें बरसात में ध्वस्त है। तो जनता ये भी कहती है कि भाई सड़कें तो बनाई जा रही है, विकास के कार्य हो रहे हैं लेकिन सुनियोजित तरीके से वो विकास कार्य धरातल पर नहीं हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दरबार की जैसी स्थिति है। तो जनता का ये भी कहना है कि इन 5 सालों के बीच जो राजनीतिक दल है उनके बीच में अंतर एन चुनाव के बीच में सबकी सरकारें हो जाती हैं और ये स्वाभाविक भी है कि जब चुनाव आएंगे तो राजनीतिक दल सक्रिय हो ही जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर ही तमाम विपक्षी दल और साथ ही साथ भाजपा भी अपनी तैयारी अपनी रणनीति को दुरुस्त करने में लग गई है, इसी को लेकर अलग अलग पार्टियां भी रणनीति बना रही है। जैसे आपने बिजली फ्री का नारा एक बार फिर से उत्तराखंड में बुलंद करना शुरू कर दिया है। वहीं आगे बढ़ते हैं और रुड़की शहर के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने रुड़की की जनता को अनपढ़ कहने वाले बयान को लेकर शहर में बवाल मच गया। विधायक के शर्मनाक बयान के बाद शहर में जगह जगह उनकी शव यात्रा निकाली जा रही है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी सिविल लाइन बाजार में भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा की शव यात्रा निकाली और उनकी मिठाई की दुकान के बाहर ही नारेबाजी करते हुए शव का दाह संस्कार किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता राजा त्यागी ने प्रदीप बत्रा को भ्रष्टाचारी और भूमाफिया बताते हुए नारे भी लगाए हैं। वहीं इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता इंतजार जुड़ चुके हैं। इंतजार, मैं आपसे आना चाहूंगी, हालांकि जो विधायक का बयान सामने आया था उसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण भी साफ तौर पर दे दिया था कि उनका वो मतलब नहीं था कि किसी को अनपढ़ कह रहे हैं। प्रदीप बत्रा ने इसका स्पष्टीकरण दिया था लेकिन उसके बावजूद भी ये साफ देखा जा रहा है कि लोगों में उबाल है इस बयान को लेकर। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता दूं जो ये मामला है, ये विधानसभा रुड़की का मामला है, जो प्रदीप बत्रा विधायक जी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था लोगों को अनपढ़ कहने के तौर पर, जिसका स्पष्टीकरण भी विधायक की ओर से दिया गया था और एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया था। लेकिन लोगों के अंदर जो जोश है, जो खासा गुस्सा है वो दिख रहा है और वो जो गुस्सा है वो लोगों को एक प्रदर्शनकारी के रूप में, लोग झुंड के रूप में सड़कों पर आ गए हैं और जगह जगह विरोध कर रहे हैं और विधायक की शव यात्रा लोगों ने निकाली है। जी बिल्कुल इंतजार, लेकिन इस पर अभी तक कोई प्रदीप बत्रा का बयान सामने आया क्योंकि उन्हीं के दुकान के बाहर उन्हीं घर के बाहर ये तरह का जो बवाल मचा था उसको लेकर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो
विधायक ने जो विधायक है प्रदीप बत्रा, उन्होंने इस मामले पे पहले भी स्पष्टीकरण दिया था, एक प्रेस वार्ता की थी। तो जब जैसे लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर और उनकी शवयात्रा निकाली और उन्हीं की दुकान और घर के बाहर जो पुतला दहन किया है उनका और सबको दहन किया है एक पुतले के रूप में, तो फिलहाल इस तरह कोई स्पष्टीकरण या कोई बयान विधायक जी सामने नहीं आया। लेकिन उनका कहना यह है कि जो राजनीतिक षड्यंत्र है तो राजनीतिक जो तत्व है उन्हीं के द्वारा मेरी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह के ये क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। और जो वीडियो जो वायरल हुआ था वो एक एडिट किया हुआ वीडियो है जिससे मेरा कोई लेना नहीं है। और उन्होंने अपने आप को साफ सुथरी छवि का एक नेता बताते हुए और लोगों से जी बहुत बहुत शुक्रिया, इंतजार हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुड़की में नगर विधायक प्रदीप बत्रा के बयान के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके कैंप कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कहा कि विधायक के बयान के कारण नगर की जनता का अपमान हुआ है, ये शिक्षा नगरी है और यहां के लोगों को अनपढ़ कहना किसी अपराध से कम नहीं है। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव जितेंद्र मलिक ने कहा कि रुड़की नगर की जनता को अनपढ़ कहने वाले विधायक का बयान निंदनीय है। उन्होंने कहा कि शिक्षा नगरी में के लोगों के इस प्रकार की बयानबाजी विधायक की घटिया सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विधायक अगर वीडियो में एडिटिंग बता रहे हैं तो वो असली वीडियो जनता के सामने लाए। रुड़की विधायक की मानसिकता वही है, वो हमेशा से पहली बात तो बेचारे बोलना नहीं जानते, काम तो बहुत दूर की बात है, काम करना नहीं जानते, बोलना नहीं जानते, जो बोलते हैं वही फिर असभ्य बोलते हैं। तो रुड़की विधायक से हमारा निवेदन है कि वो रुड़की की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया जाएगा इस रुड़की के विधायक का। कांवड़ मेला 2021 के प्रतिबंधित होने पर आला अधिकारियों ने नियुक्त पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, साथ ही उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी लेते हुए संबंधित सेक्टर प्रभारियों को तत्काल पूर्ण करने हेतु निर्देशित भी किया है। साथ ही निर्देशित किया गया है कि सभी जोन प्रभारी और सेक्टर प्रभारी आपस में सहयोग करेंगे जिससे कि कोई भी कांवड़िया बिना गाइडलाइन के पालन करते हुए जनपद में प्रवेश न कर पाए। साथ ही चेक पोस्ट पर नियुक्त बल वाहनों की गहनता से चेकिंग करेंगे और जो लोग गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं कर रहे उन्हें बॉर्डर सीमाओं से वापस कर दिया जाए। जितने भी ड्यूटी पॉइंट्स बनाए गए हैं उसको चेक किया गया, ड्यूटी पॉइंट्स पे जो भी पुलिस कर्मी प्रेजेंट थे उनको उनके बारे में पूछा गया, उनकी समस्याओं को सुना गया। इसी दौरान रेलवे स्टेशन का भी मुआयना किया गया, रेलवे स्टेशन पे यात्रियों की होने वाली आवाजाही के बारे में पूछा गया तथा कांवड़ के लिए जो नियमावली बनाई गई है उसके सख्ती से पालन करने के लिए। वहीं इस खबर पर हमारे साथ इंतजार जुड़ चुके हैं। इंतजार, हालांकि कांवड़ यात्रा तो स्थगित कर दी गई थी लेकिन उसके बावजूद भी तैयारियां दुरुस्त रखने को कहा है ताकि कोई भी प्रवेश न कर पाए, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं अभी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए जो हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का जो पर्व था, कांवड़ यात्रा जो स्थगित की गई थी, तो शासन ने इसी को लेकर के जो उत्तराखंड हरिद्वार में प्रवेश करवा जितने भी बॉर्डर है सभी को अलर्ट किया हुआ है, सभी पे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं सभी को अलर्ट किया हुआ है, सभी को मुस्तैद किया हुआ है वहां पर। तो उसी की जो एसपी सिटी है, एएसपी है हरिद्वार की डॉक्टर विशाखा अशोक बदाने, तो उन्हीं के द्वारा जो सुपर जोन 3 है उसको रुड़की का निरीक्षण किया गया है। तो जो बॉर्डर है, चाहे वो बस स्टैंड हो चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, और जो विशेष सुरक्षा बल जो लगाए गए हैं सभी की जो जानकारियां जुटाई गई हैं और जो कमियां खामियां हैं उनको पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको। और जो लोग फिर अनुबंधित होने के बाद भी, प्रतिबंधित कांवड़ यात्रा होने के बाद भी इसमें हरिद्वार में प्रवेश करना चाह रहे हैं तो उनको जो गाइडलाइंस है उन्हीं के अनुसार उनकी जो प्रपत्र कार्य का जो कार्रवाई है उनको पूरा करने के उपरांत ही उनको हरिद्वार में प्रवेश दिया जा रहा है, अन्यथा सभी को बॉर्डर से लौटा जा रहा है। और जो गंगा जल है, गंगा जल को बॉर्डर पर ही एक टैंकर के माध्यम से खड़ा कर दिया गया है और वहीं से लोग गंगा जल देकर के वापस किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हालांकि कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा को देखते हुए टैंकर को बॉर्डर पर ही लगा दिया गया है जिससे कि कांवड़िए अगर वहां पहुंचते हैं तो उनको खाली हाथ ना लौटना पड़े, उन्हें गंगा जल के साथ वापस भेजा जाए। वहीं नैनीताल में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्वयाल ने अपने कार्यालय हरद्वानी में जनता दरबार में समस्या सुनी और मौके पर ही निस्तारण किया। जनता दरबार में फरियादियों की प्रमुख समस्याओं में सड़क, पानी, शिक्षा, बीमारी, इलाज, मुआवजा, फीस माफी, शस्त्र लाइसेंस, रोजगार आदि से संबंधित 29 समस्याएं और शिकायतें दर्ज कराई गई। अधिकांश समस्याओं का मौके पर निस्तारण करते हुए अवशेष समस्याओं को उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित दिए हैं।
कि जल्द से जल्द समस्याओं का संज्ञान ले और निस्तारण करें। कोरोना जैसी महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन लक्सर में लोगों ने मास्क से दूरी बनाना शुरू कर दिया और तीसरी लहर आने की संभावना भी बनी हुई है। बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों ने सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग लगभग बंद कर दिया है। लक्सर प्रशासन भी लगभग लापरवाही बरतने लगा है, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के बिना ही लोग बाजार में घूम रहे हैं, दुकानदार भी लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं लक्सर में लोग बेखौफ दिखाई दे रहे हैं। हमारी टीम ने भी आज लक्सर बाजार का जायजा लिया। बाजार की जो तस्वीरें देखने को मिली वो बेहद ही भयावह है। बहुत कम लोग ही मास्क लगाए दिखाई दिए, लोग पूरी तरह लापरवाह नजर आए। सरकार भले ही तीसरी लहर को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है, लेकिन लक्सर में आम आदमी कोरोना के प्रति बिल्कुल गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। चमोली के पिंडर घाटी में कर्णप्रयाग, गवालदम, बैजनाथ, अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग इन दिनों लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। यहां सड़क चौड़ीकरण कार्य के चलते सड़क बंद हो जाना आम बात हो गई है। इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर नारायण बगड़ विकास खंड मुख्यालय के दोनों बाजारों के बीचों बीच मुख्य सड़क वर्षों से भूस्खलन के कारण लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। पिछले दिनों प्राइम टीवी ने ग्राउंड जीरो से ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी, तब बीआरओ ने यहां पर कुछ गड्ढे तो भरे पर लगातार हो रही बारिश और पिंडर नदी का बढ़ता जल स्तर से इस जगह पर लगातार भू धसाव जारी है, जिससे कभी भी यहां पर कोई बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि लगातार शासन प्रशासन से इस जगह का ठीक से उपचार किए जाने की गुहार लगाई गई, पर आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। मैं शासन प्रशासन और गृह पालन से कहना चाहता हूँ कि आपके द्वारा जो ट्रीटमेंट किया गया, हालांकि आपने रोकथाम के लिए कुछ सड़क के लिए ट्रीटमेंट किया था, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें जब तक आप नदी के किनारे दीवार नहीं लगाएंगे तब तक कोई उसकी कोई रोकथाम नहीं हो पाएगी। और नंबर दो बात यह है कि मेरी ग्राम सभा ग्राम केवर तल्ला जो मेन हाईवे रोड से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर 20 सालों से लगभग ये स्लाइडिंग जोन होते जा रहा है और शासन को अवगत करा कर भी उस पर कुछ वो काम नहीं। नरेंद्रनगर में लगातार हो रही भारी मूसलाधार वर्षा के कारण ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 नरेंद्रनगर से 5 किलोमीटर आगे दौड़ा पानी के पास पहाड़ी से भारी मलबा और बोल्डर सड़क पर गिरने के कारण बंद हो गया। वहीं रोड बंद होने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी को तत्काल मलबा हटाने के निर्देश दिए, जिसके बाद जेसीबी मशीन से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। वहीं इसी बीच सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, ऐसे में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार केंद्र सरकार ने ऑल वेदर रोड के नाम से करोड़ों और अरबों रुपए बर्बाद किए हैं। आप देख रहे हैं कि विगत 3 महीने से लगातार ये जो खासकर ऋषिकेश और चंबा का जो हमारा ये एक पैच है जो 65 किलोमीटर का है, इसमें लगातार आए दिनों दुर्घटना हो रही है। आए दिनों बड़े 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 जो है ये स्लाइडिंग जो पोर्शन बन गए, बहुत नए नए जो पॉइंट खुल गए हैं वो लगातार हो रहे हैं। देखिए अभी कम से कम जो है 4-5 हज़ार लोग यहाँ पर फंसे पड़े हैं, लगभग आधा घंटा का समय हो गया है। अब बड़ी मुश्किल से एक JCB यहाँ पर आई है, एक छोटी सी JCB आई है, मुझे लगता नहीं। सितारगंज में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि खटीमा रोड बटेसर की चक्की के पास रोड किनारे भरे पानी में पड़ा खाली पड़े प्लाट में जानवर चरा रहे कुछ बच्चों ने पानी में पड़ा एक शव देखा, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच हाईवे किनारे पड़े शव को देख आसपास के लोगों से उसकी शिनाख्त करने के लिए कहा और शव को पानी से बाहर निकाला। रोड किनारे छत बिछत शव मिलने से आसपास के गांव में दहशत का माहौल बन गया। वहीं शव 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है। SSI सुधाकर जोशी ने बताया कि हाईवे किनारे शव पड़े मिलने की सूचना मिली थी, मौके पर पहुंच शव को पानी से बाहर निकाला गया और पंचनामा भर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। राजेश दल जी का फोन आता है कि यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है नहर के किनारे, सॉरी हाईवे के किनारे। तो मैंने उसके बाद में मैंने आपको कैसे पता लगा, तो वो मुझे बोले कि यहाँ पर जो है कोई बच्चा अपने मवेशी चला रहा था, तो बच्चे को वहाँ बदबू आई, तो जब उसने जाके वहाँ देखा तो वहाँ पर कोई बॉडी पड़ी हुई, तो वो बच्चा एकदम छूट के भागा तो राजेश जी के पास पहुँचा। उन्होंने उनको बताया तो फिर जब उन्होंने मेरे को फ़ोन किया तो फिर मैंने फ़ोन किया सरकारी नंबर पर कोतवाल साहब को, तो कोतवाल साहब थे नहीं, तो सुधाकर जोशी जी ने फ़ोन उठाया। सुधाकर जोशी जी मेरी बात हुई तो मैंने उनको सारी बताई कि ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है इस तरीके की।
इसमें सूचना मिली थी अभी करीब 15 मिनट पहले, पलविंदर जी हमारे ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि एक सितारगंज और नारंगमत्ता हाईवे के नीचे बगारा ग्राम में बॉडी क्षतविक्षत अवस्था में मिली हुई है, उसमें मैगेट्स पड़ गए हैं, कीड़े पड़ गए हैं उसमें, तो उसको देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दो दिन कम से कम पुरानी है, और चूँकि नाले में पड़ी हुई है तो वो डिस्ट्रॉय हो गई है बॉडी, और अभी तक इसके विषय में जानकारी नहीं मिली किसकी बॉडी है क्या है, इस संबंध में हमें सर्कुलर वो क्या कहते हैं आरजीबाजी कर दी है, कहीं भी अगर कोई गुमशुदगी हुई उसकी फोटो वोटो खींच। पार समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी।